नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नो योर सिटी और मैं हूं अर्चना। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप कभी कभी जब धन कमाते हैं तो उसमें वृद्धि तो होती है लेकिन आपके हाथ में पैसा रुक नहीं पाता है। आपके घर में कलेश बहुत होते हैं, आपके घर में लोग बीमार बहुत रहते हैं, तो इसमें वास्तु की क्या भूमिका है ये आज हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, लोग कमाते बहुत हैं, लोग कहते हैं हमने कमाया बहुत है लेकिन हमारे हाथ में धन रुक नहीं पाता, लोग बीमार रहते हैं, परिवार में देखा है कई लोग बीमार रहते हैं और कलेश बहुत रहता है घर में, क्या कारण है, वास्तु की क्या भूमिका है इस सब चीजों में। नो योर सिटी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। और ये प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, प्रश्न तो सबका ही है। बिल्कुल। अब जब हम घर बनाते हैं कई बार तो उसकी सुंदरता वो इस प्रकार से रखें जी, जो बड़ी शोभावान दे। भगवान की आयुध वहां पर आप घर के बाहर स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, और भगवान गणपति जी भी यदि आप लगाने हैं तो एक आप जो घर की ओर देखें और एक घर की बाहर की ओर देखें, ऐसे लगाने चाहिए, दोनों के पीठ मिले आपस में जी, तो उससे भी वास्तु का जो दोष है वो समाप्त होता है जी। कई बार हम घर बनाने में गलतियां करते हैं, बड़े प्लॉट ले लेते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन उन मकानों को बनाने के बावजूद हम क्या करते हैं, अक्सर घर में यदि पूजा घर बनाना है जीने के नीचे बना देते हैं, सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं। अब आपने सीढ़ियों के ऊपर चलना, नीचे भगवान जी विराजमान है जी। कई बार हम सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना देते हैं जी, और बहुत ज्यादा केसों में मैंने देखा कि जिनके घर में सीढ़ियों के नीचे कुछ बना होता जी, उन घर में परेशानियां बहुत अधिक होती हैं। जो मुख्य आदमी है या स्त्री है वो कहीं ना कहीं हड्डियों की बीमारी से परेशान होता, कहीं ना कहीं मानसिक भी उसको परेशानी होती है जी, जी। और धन यदि 10 गुना ला रहा है तो 100 गुना उसका खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। ये भी यहाँ पर बहुत गलत होता है। भगवान जहाँ स्थापित होने चाहिए, ईशान कोण के अंदर, पूरब और उत्तर के बीच का जो भाग होता है, उस स्थान में भी हम कई बार इस प्रकार से गंदगी का स्थान रख देते हैं, या टॉयलेट का रख देते हैं, या वहां पर अग्नि का रख देते हैं, वहां पर जनरेटर रख दिया, या कुछ और चीज जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम आपने वहां रख दी, यानी जहाँ जल है वहां आपने आग रख दी है, आग की जगह आपने जल रख दिया, वहां जल को स्थापित कर दिया, जहां आपकी हवा आनी चाहिए उस हवा को आपने बंद कर दिया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी। दूसरी बात ये, अगर घर में आपके वास्तु दोष है, उसमें घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो सज्जन वृत्ति के, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने चरित्र में रहते हैं, घर में कोई नशा इत्यादि नहीं करते हैं, भगवान की पूजा पाठ सुबह शाम पूजा पाठ होता है, तो उस घर में भी कोई दोष नहीं होता। रामचरितमानस भी एक बड़ा अच्छा उपाय होता है, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है वहां भी किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। बहुत से लोग तिजोरी को गलत जगह में स्थापित कर देते हैं घर का, जो आपने भी बताया कि धन का, तो जो घर में मेन जो मुख्य स्थान है तिजोरी को रखने का, अपने धन को, सोने के आभूषण है, कुछ और चांदी के आभूषण है, या कुछ और आपके जो भी कीमती वस्तुएं हैं, गहने जेवरात वगैरह जी, अब लोग जो है उसको गलत दिशा में रख देते हैं जी। तिजोरी हमें कहाँ रखनी चाहिए जी, कि तिजोरी से तात्पर्य कुबेर जी से सीधा करता है, कुबेर अर्थात जो खजाने के मालिक है, तो उन सारी दिशाओं को सब लोग बिगाड़ देते हैं, जिस कारण उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होती है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि हमेशा जब हम अपने घर की तिजोरी किसी गलत जगह पे रखते हैं तो हमें धन का इस तरह से एक लाभ नहीं मिल पाता है, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि वो दिशा कौन सी है जहाँ पे हम तिजोरी को रखें और धन से लाभ पा सकें। तो पंडित जी बताइए हमें कि किस तरह से हम तिजोरी रखें कहाँ पर। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये जो तिजोरी का मुख्य स्थान है जी, मुख्य स्थान तिजोरी जो होनी चाहिए हमेशा दक्षिण की ओर होनी चाहिए, और दक्षिण की दिशा में दीवार पर इस प्रकार से लगाना चाहिए कि वह आग्नेय कोण से बचे, आग्नेय कोण अर्थात जो पूरब और दक्षिण का भाग है उसे उसमें ना आए, वो दक्षिण की दीवार पे उसकी पीठ आई तिजोरी की, और उसका जो
फ्रंट है मुख्य दरवाजा खुले तिजोरी का, वो उत्तर की ओर खुले, क्योंकि कुबेर जो है उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर उनका मुख खुलना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि तिजोरी जब खुले उसमें दो दरवाजे होने चाहिए जी। और जब भी आप तिजोरी की पूजा करें जी, तो खोल करके करें जी। हमेशा जब भी आपको पूजा करनी तिजोरी को खोल करके करें जी। जो तिजोरी आपको वहां पर एक मां लक्ष्मी जी का आपको चित्र या उनके फोटो होनी चाहिए जी। उनके साथ जो हाथी जो है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, धन की वर्षा कर रहे हैं, वो लगे होने चाहिए, क्योंकि वो भी उन्नति का प्रतीक है जी। आपको देखना चाहिए आपके घर में तिजोरी वाले स्थान में कहीं पर जो जाले होते हैं, ये जाले इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि आप अपनी तिजोरी की जो पीठ है वो दक्षिण दिशा में रखें और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुले, क्योंकि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं कुबेर जी, और कुबेर जी की जब आप पे कृपा बरसेगी तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार नहीं होगा और आप दुख कलेश से बहुत दूर रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमें और शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।